ये उन दिनों की बात है। आज फिर से पेट्रोल के दाम 20 पैसे बढ़े। देश में कंप्यूटर्स के उपयोग के खिलाफ कुछ लोगों ने विरोध किया और कहा कि इससे नौकरियां कम हो जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमत का बढ़ना लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। रोज तो खुद ही तैयार होती है, आज माँ पे बहुत प्यार आ रहा है। जाए आज नैना कितने दिनों बाद आरती की ना, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति बेटा तू कुछ सीख ना नैना से, कल को तो शादी करके ससुराल जाएगी ना, तो तेरी सास खुश हो जाएगी संस्कार देखकर। मम्मी तो आप हमारी शादी ना एक ही घर में करा दो, नैना आरती कर लेगी और मैं नए गाने सुना दूंगी, सास डबल खुश। बहुत बेशरम हो गई है। जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ। किसी नई नोटबुक में लिखना शुरू करना या किसी नए घर में गृह प्रवेश करना, हम हर बार हर नई शुरुआत करने से पहले भगवान का रुख करते हैं, जिंदगी में आने वाली रुकावटों का सामना करने के लिए ताकत मांगते हैं। मैंने भी वही किया, अपने फैसले पर अटल रहने की शक्ति मांगी। ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत न सही, पर हाँ मेरी कहानी का नया अध्याय जरूर शुरू हो रहा था। तुम्हारे अंदर तो साक्षात सरस्वती विराजमान है और आवाज बिल्कुल शक्कर जैसी मीठी। वैसे करेला मैं भी नहीं खाती तो मेरी भी आवाज ज्यादा कड़वी नहीं है। पिक्चर पे काम, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। हाँ हाँ ऐसे भी बहुत देर हो गई है। अच्छा तुम लोगों का टिफिन तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। आज हमसे पहले नाश्ता रेडी है। ये बात तो है, भगवान झूठ ना बुलाए, आज तो नाश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाभी जी ने भेजा है। ताई जी का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन। बेटा हृदय का परिवर्तन नहीं बर्तन का है, पकड़। मतलब? मतलब वो प्रलय के जन्म दिवस में भाभी जी ने मुझसे बर्तन मांगा था ना, अब खाली बर्तन तो वापस करते नहीं है, तो जो बचा हुआ खाना था वो उन्होंने भेज दिया और तुम दोनों के नाश्ते के काम आ गई, बताओ। अच्छा वो गुजराती में कहते हैं ना इसे, बाट का व्यवहार यानी कि बर्तन का कमाल। चला बैठ जा, आज मैं तेरा बाल बनाती हूँ। शतान का बनाया तो तेरा भी बना देती। अच्छा मैं कंघा लेकर आती हूँ। सॉरी, यार सपने में इतनी तेज पड़ी है, असलियत में कितनी तेज पड़ेगी? देख समीर, ये दिल का मामला है, बहुत सीरियस मामला है। आई एम सॉरी कितना भी दिल से बोलो, पर नैना को ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक और मजाक है। सॉरी नैना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं आ रहा यार,
कितना भी दिल से कहूं पर उसके दिल तक नहीं पहुंच रहा, छू नहीं रही है मेरी फीलिंग्स को। मुझे नैना को सॉरी कुछ इस तरह कहना होगा कि मेरा गिल्ट और मेरी माफी का एहसास उस तक पहुंचे। I'm sorry नैना, मेरा गिल्ट, मेरा गलती का एहसास मुझे पल पल खाए जा रहे हैं। मैं दिल से शर्मिंदा हूं कि मैंने शर्त वाला ड्रामा क्यों किया। मैं बहुत बुरा हूं, बट तुम तो दिल की साफ हो ना, तुम मुझे माफ करोगी ना नैना? कोई बात नहीं समीर, तुमने दिल से माफी मांग ली इतना बहुत है। सुनो नैना, सुन भगवान जी, अब कुछ भी हो जाए सच्ची फीलिंग से मुझे सॉरी कहना होगा नैना को। तू सॉरी बोलने के लिए इतना पागल है कि सपने में धोबी भी बन गया? ए समीर तू आराम से ला। नैना मैं शर्मिंदा हूँ कि बस 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 अभी ना संभल के, हमें ना तुझे जीते जी नैना को सॉरी बोलते देखना है। अरे मुझे भी तो पंडित से सॉरी कहना है, दोनों काम बाकी, बड़े धीरे धीरे चला यार तू। तुम लोग चुप रहो यार। अरे नहीं नहीं, वैसे टेंशन में ऊपर से नर्वस भी हूँ, पता नहीं नैना कैसी रिएक्ट करेगी। और नैना स्कूल पहुँच गई ना सॉरी नहीं बोल पाऊंगा, कुछ भी करके उसके स्कूल पहुँचने से पहले मुझे उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। अरे प्रीति जल्दी जल्दी आ रही हूँ। सुबह सुबह होमवर्क की याद आ गई थी तो वो कर रही थी, इसलिए देरी कर दी, रात में करके रखा करना। तू भी तो मदद नहीं करती, जल्दी हो जाता। हाँ मेरी कॉपी में से तो कॉपी करती है। मैंने होती इसलिए। आज तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? एक काम कर, पानी पी। अरे यार जब से निकले तब से दो बोतल पानी खाली कर चुका है तू, इतना पसीना तो स्कूल के पेपर में भी नहीं आता। यार आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है, सच्चे दिल से किसी को सॉरी बोलना, इससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता जिंदगी में। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ मारेगी या घूसा मार देगी। अरे नहीं घूसा नहीं मारेगी, चिल्लाएगी, तू सुन लेना गुस्से में। यार मैं भी ये चाहता हूँ कि गुस्से में सारी भड़ास निकाल दे वो, कम से कम मेरी बात तो समझेगी तब। अबे मैं जाता हूँ, तुम लोग पार्क कर दो। ठीक 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 चल। सॉरी सॉरी। चले जल्दी जल्दी चलना यार, देख पहली दिन ना टीचर डांटेगी। मैं तो नहीं पहुंच रही आज।
इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगे। समीर आया ना? नैना, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज। हाय समीर। आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए? कि तुम क्या? मैं वो तुम क्या बोल रहे हो? ठीक हो ना तुम? हाँ। चलो भाई, मुझे ना क्लास के लिए देर हो रही है। अपने क्या सोचा था? थप्पड़ लाते घुसे, गुस्सा देखने को मिलेगा। यार यहाँ तो सारा ड्रामा फुस हो गया। बड़ा हंस-हंस के बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं सदमे में पागल पागल तो नहीं हो गई है? जिंदगी में तब तक कुछ बातें थी जो बिल्कुल सही से दिमाग में बैठी हुई थी, जैसे आग बुझाने के लिए पानी डाला जाता है। बॉल को दीवार पर जोर से मारो तो पलट कर वापस आती है, चोट लगे तो मरहम लगाकर पट्टी बांधी जाती है, और गलती होने पर माफी मांगी जाती है। पर उस दिन जिंदगी की सीखी सिखाई सारी बातें उल्टी पड़ गई थी। नैना की उस हंसी ने मुझे एक ऐसा थप्पड़ मारा जो तिखा नहीं पर लगा, बहुत तेज लगा। वो अगर गुस्सा करती, डांटती, चिल्लाकर कुछ कहती तो शायद मेरे लिए आम बात होती, पर उसने ऐसा नहीं किया। और उस पल मुझे समझ आया कि जिंदगी में कुछ चीजें उतनी आसान नहीं होती कि एक सॉरी से ठीक हो जाए। नैना एक तूफान छुपाए बैठी थी खुद के भीतर। उसने पहले अपनी अच्छाई से मुझे जीता था, और आज उसी अच्छाई ने मुझे हरा दिया, और मैं अपना गिल्ट, अपना गुनाह लिए खड़ा रह गया। बहुत मस्ती हो गई माउंट आबू में, अब हम पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, ठीक है? अपनी किताबें निकालिए। मैडम जी, अंदर आ सकते हैं? अरे वाह, ट्रिप के बाद स्कूल के पहले ही दिन इतना लेट? आप तो अभी भी छुट्टी के मूड में हैं। आइए बैठिए। अब पंडित, आज बड़ा सुंदर लग रहा तू। समीर, ये इतने सारे फूल किस लिए? नैना के लिए। नैना के लिए? मगर क्यों? नैना के लिए, स्वाति के लिए, हेमा के लिए, काम्या के लिए, सबके लिए, सबके लिए। सबके लिए फूल लाए हो, मगर किस लिए लाए हो? मैडम जी, वो क्या है ना, इन लड़कियों की वजह से हमें स्कूल ट्रिप पे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, और वो कैसे पंडित जी? मैडम जी, बात मैम, वो क्या है कि हम लड़के तो पहले से ही दोस्त थे, पर माउंट आबू ट्रिप की वजह से हम लड़की लड़कियां भी दोस्त बन गए, अच्छे दोस्त।
सच्चे दोस्त। साथ में काफी सारा वक्त बिताया, दोस्ती के मायने सीखे और दोस्ती का सही मतलब भी जाना, और साथ साथ हमने ये भी जाना कि हमें कभी भी जाने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो माफी मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि माफी मांगने से और माफ कर देने से इंसान का दिल साफ हो जाता है। प्रायश्चित एक ऐसी गंगा है जिसमें डुबकी मारने से इंसान शुद्ध हो जाता है। वाह सनी, वहां माउंट आबू में भी तुमने कितनी भावुकता के साथ वो कविता सुनाई, और यहाँ भी ये सारी बातें तुम कितनी शिद्दत से कह रहे हो। तुम एक अच्छे इंसान तो हो ही, साथ ही साथ तुम्हारे पास एक मासूम कवि का दिल भी है। अरे तालियां! थैंक यू, पर किसी और को भी दिखना चाहिए। मेरे क्लास के बकमाश बच्चे, अब अपनी पुस्तक निकालो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। चलिए अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए। रेगिस्तान में दूर से देखने पर भटकते हुए इंसान को कई बार धूप में पानी दिखाई देता है, और इसे मिराज या मृग तृष्णा कहते हैं। आंखों की धूल, छलावा। बचपन में जब ये पढ़ा था तो हंसी आती थी कि रेत के सूखे ढेर में किसी को पानी कैसे दिख सकता है। पर उस दिन समझ में आया कि आंखों को जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। नैना ने हंसकर गुलाब तो ले लिया, पर उसकी हंसी ने मेरे अंदर कांटे चुभा दिए थे। उसके टूटे हुए दिल की चुभन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठीक है बच्चों, आज हमने जहां छोड़ा है कल वहीं से फिर शुरू करेंगे। नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। बैठो बैठो। जो पाठ पढ़ने के लिए बोला था आप सब पढ़ के आए हैं, तो अब आप सबको दो या तीन लाइन में इसका जवाब देना है। When did महेश ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड why? बोलो नैना। समीर, जवाब आता है तुम्हें? बोलो। नहीं सर, वो तो मैं बस यूं ही। बस यूं ही क्या, चलती क्लास में ऐसे ही हाथ पैर उठा दोगे तुम? ये पीटी की क्लास नहीं है बेटा, ध्यान क्या है तुम्हारा? नैना में सर, वो नैना सारे सवाल के जवाब दे रही थी तो मेरे दिमाग से जवाब ही निकल गया। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है ना, अब से एग्जाम में तुम अपनी आंसर शीट नैना से ही लिखवा लेना।
ठीक है? सर अगर आप कह रहे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना चुप करो। समीर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक बहुत सही नुस्खा है मेरे पास, देसी वाला। यहां आओ और मुर्गा बनो। चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.